नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों, हमारी दो क्लासेज हो चुकी थी संख्या पद्धति के बारे में, तो आज हमारी होगी तीसरी क्लास। तो पहली क्लास में तो हमने नॉर्मल डिस्कस किया था संख्या पद्धति के बारे में, अंकों के बारे में, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। और सेकेंड क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ वर्ग और घन वगैरह ज्ञात किए थे और ट्रिक बताई थी उसकी, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो होगी इकाई के अंक पे। अगर अपने को कोई भी संख्या वगैरह दे रखी होगी, इसका सॉल्यूशन बिना किए आपको शॉर्टकट ट्रिक से उसका इकाई का अंक क्या होगा उसमें वो निकालना था। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अपने पास अपने को करना है आज इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। आज सीखेंगे अपन किसी भी कोई भी अपने पास क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे अपने पास दे रखा है 18 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 57। अब अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है अपने को कि इसमें इकाई, इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अपने को इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब अगर अपन इनको जोड़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अपने को एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसका यूज करके अपने को इसको जोड़ना है। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इनको जोड़ो, 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7, ठीक है। सभी जो भी संख्या है इनमें सभी का एक एक इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक इनमें से ले लेंगे, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, 8 और 4 12 और 1 13 13 7 20। अब इसमें इकाई का अंक क्या आया, 20, नहीं सॉरी, इसमें इकाई का अंक क्या आया, 0। 20 में इकाई का अंक क्या हो गया, 0। तो अपना इसको भी जब अपन जोड़ेंगे ना तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है 57 प्लस 25 प्लस 129 प्लस 19, ठीक है। ये अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अपने को इसमें इकाई अंक निकालना है कि इनको जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। तो अपने को बिना जोड़े हुए निकालना है, ठीक है। तो बिना जोड़े हुए जब निकालेंगे अपन, तो अपने को इसी ट्रिक का यूज करना, मैंने बताया सभी का इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 9, अब इनको जोड़ो, 7 5 12 12 9 21 21 और 9 30। अब 30 में इकाई अंक क्या हो गया, 0। तो इसका भी इनको जोड़ के इकाई अंक क्या आएगा, 0, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अपने पास कोई संख्या दे रखी है 59 प्लस 1225 प्लस 126 प्लस 72, ठीक है। अब इस बोल दिया अपने को इसमें इकाई अंक ज्ञात करो क्या होगा इनको जोड़ेंगे तो। सबसे पहले अपने को सभी का इकाई अंक लेना है, ठीक है। 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2। अब देखिए इन इकाई के अंकों को आप अब इनको जोड़ो, तुम इनको जोड़ो क्या आएगा, 9 और 5 14 6 20 और 2 22। अब 22 में इकाई अंक क्या आएगा, 2। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर इकाई अंक क्या आता है, 2। तो इस टाइप से अपने को करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इजी वे से अपने को ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन घबरा जाते हैं कि इसमें कि क्या होगा, इनको जोड़ेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा उसमें इकाई अंक। और ये अपने को ट्रिक बताइए, इस ट्रिक के हिसाब से सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल टकाटक राइट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, नो टाइम वेस्ट, ओनली ट्रिक बेस, ठीक है। अब अपना देखिए, अब अपन ने किया था अभी जोड़ में, अपन ऐसे कर सकते हैं माइनस में करके देखेंगे, ठीक है। माइनस में करके देखेंगे तो अब अपने को ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें ये दे दिया अपने को, 57 माइनस 72 प्लस 67 माइनस 19, अपने पास ये क्वेश्चन है। अब इसमें बोल दे अपने को कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो सोल्व तो करने बैठे हुए नहीं एग्जाम में। तो देखिए इकाई अंक सभी का लेंगे उसी टाइप से, -2 प्लस 7 और ये माइनस का 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 7 और 7 हो गए 14 और माइनस के हो गए 11, क्या बचे अपने पास, 3। तो 3 इसका इकाई अंक होगा, ठीक है, इस टाइप से माइनस का हो जाएगा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन गुणा पे, कि गुणा करेंगे किसी
क्रिएशन क्या होगा आपस में, तो उनका एकाईकन क्या होगा। ठीक है, अब गुणा पे आते हैं, गुणा के क्वेश्चन करेंगे। अब अपने पास बड़ा बड़ा गुणा दे दिया, जैसे 1719, ठीक है, गुणा 1225, गुणा 1002, ठीक है। अब बोल दे इनमें एकाईकन क्या होगा, तो अब इतनी बड़ी संख्या को गुणा करोगे तो कम से कम आपकी 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब इस ट्रिक से करेंगे अपन। सबसे पहले एकाईकंक, इनमें भी एकाईकंक लेना है, 9 × 5 × 2, तो 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 90, एकाईकंक क्या आ जाएगा 0। ठीक है, एकाईकंक क्या जाएगा 0। अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें, 712 × 522 × 126। अब देखिए इनमें का एक अंक लेंगे, 2 × 2 × 6, 2 × 2 = 6, 4 × 4 = 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इकाई का अंक क्या जाएगा इसका 4। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में अपना आता है एक छोटा सा नियम है, अगर अपन जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो उसमें एकाईकंक क्या आएगा, हमेशा 0। जीरो को किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे गुणा 0, कितनी भी बड़ी संख्या ले ली, जैसे अपन ने ले ली 202,657, इसको 0 से गुणा किया तो अपना आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो ये 0 का नियम है कि 0 ही आएगा हमेशा, 0 को चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा कर लो, हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, अब अपने को देखो, अपन ने ये कर लिया एकाईकंक ज्ञात करना। ठीक है, अब इकाई के अंक के नियम पढ़ेंगे अपन, इकाई के अंक के अंक नियम। ठीक है, अंक नियम में सबसे पहले आता है 0 का नियम। ठीक है, अब 0 का नियम अपन किस हिसाब से पढ़ेंगे, देखिए अगर किसी संख्या का इकाईक अंक 0 है, जैसे 126 कोई संख्या है, सॉरी 120 कोई संख्या है, और इसके इकाई का अंक अगर 120 में इकाई का अंक क्या हो गया 0। अब इसकी घात चाहे कितनी भी हो, इसकी घात 125 है, अब अपने को एक क्वेश्चन में ये दे रखा है 120 की घात 125 है, तो इसमें इसको जब सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। अब मैं 0 के नियम के अनुसार क्या होता है कि 0 के चाहे कितनी, जब इकाई का अंक 0 हो ना, तो उसकी चाहे कितनी भी घात हो, 1,00,000, 2,00,000, 2 करोड़, कितनी भी, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0। उसको सोल्व करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 0। ठीक है, ये हो गया अपना 0 का नियम। अब इसके बाद आता है अपना 1 का नियम। 1 का नियम, अब 1 का नियम क्या कहता है, देखिए 1 के नियम के हिसाब से अगर अपन किसी भी संख्या, जो जिस संख्या का इकाई का अंक 1 है, उसकी चाहे घात आप कितनी भी लगा लो, जैसे अपने संख्या है कोई 721, इसकी घात है 129। अब अपने को बोल दे कि इसको सोल्व करने पर इकाई का अंक क्या होगा, इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए 1 की घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक लेंगे इसकी 1, 1 की घात चाहे कितनी भी हो, 100, 200, 300, 500, 600, कुछ भी हो, तो हमेशा उसको हल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है 5 का नियम। ठीक है, 5 का नियम क्या कहता है, देखिए 5 का नियम भी इसी टाइप से है, इकाई का अंक 5 है, इसकी घात चाहिए आप कितनी भी लगा दो, हमेशा इकाई का अंक इसको हल करने पर 5 ही आएगा। ठीक है, ये कहता है अपना 5 का नियम। अब इसके बाद में आता है 4 का और 9 का नियम। ठीक है, 4 का और 9 का नियम आता है। अब देखिए ये स्पेशल आ गई, अब ये तो अपने को सिंपल थे, 4 और 9 का नियम देखना है, 4 और 9 का नियम, 4 और 9 का नियम, 4 और 9 का नियम में देखिए, अगर जैसे अपने पास लास्ट का अंक 4 और 9 होना चाहिए, जैसे ये अपने पास कोई संख्या है 144, अब इसकी घात अपने को निकालनी है 225। अब देखिए एक नियम है इसमें भी कि अगर अपने पास 4 और 9 इकाई का अंक है और उसकी घात अपने को विषम में दे रखी है, अगर विषम घात हुई तो अपन 4 की घात 1, तो इकाई का अंक क्या आएगा 4।
अगर अपने पास घात दे रखी 226 यहाँ पे, तो अपने पास इस घात को अपन क्या लिखते, दो। इनकी अगर विषम आए तो एक विषम संख्या यानी कि, और अगर सम आए घात, घात सम हो तो उसको लिखेंगे अपन 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 16। और इकाई का अंक क्या होगा, 6, यानी कि। और जब 9 होगा, जैसे अपन ने 4 का किया, अब यहाँ पे देखेंगे 99 की घात 112, अब ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या होगी तो 9 की घात 2, 81। इकाई का अंक क्या होगा, 1। अगर 19 की घात 115, यानी कि विषम संख्या है, विषम होती तो 9 की घात 1 क्या आ गया, 9। इकाई का अंक क्या आएगा, 9। ठीक है, इस टाइप से 4 और 9 का नियम। अब इसके बाद में बात करें तो अपने ये नियम हो गए। अब इसके बाद में अपना आता है जो संख्या बच गई अपनी, देखिए अब अपन नियम पढ़ेंगे 2 का 3 का 7 का और 8 का। ठीक है, अब इस नियम में क्या है, देखिए अगर कोई संख्या है उसका इकाई का अंक ये है, जैसे 112 कोई संख्या है और अनमें इकाई का अंक अपने पास 2 आ गया इसमें, ठीक है। अब इसमें इसकी अपन घात लगाएंगे, जैसे 126 लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब जो अपन घात लगाएंगे ना, उसमें अपन देखे देखेंगे 4 का भाग, अगर 4 का भाग अगर अपना पूरा पूरा चला जाता है तो अलग रूल है, और अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो अलग नियम है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो जो शेषफल बचेगा ना, उस शेषफल को इसकी घात लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि उसको इस पे घात, जैसे इसका शेषफल बच जाएगा कितना, देखिए 126 में 4 का भाग देंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, इसमें बचे 2 शेषफल, तो 112 की घात क्या हो जाएगा, 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, ठीक है। 2 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा ना, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि ये हो 124, अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 6। अगर इसकी घात में इकाई के, जैसे इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 और उसकी घात में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6। तो ये हो गए अपने नियम, ठीक है। इन नियमों पर अपने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अपने इकाई का अंक हो चुके हैं कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अपने पास क्वेश्चन क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। अब अपन में क्वेश्चन को क्या, क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिए, जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3 और 7 और 8, इन चारों में से अगर किसी संख्या का इकाई का अंक है ना, तो वो संख्या कभी भी किसी संख्या का ही वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा है, ये देखिए 3 इसमें इकाई का अंक है ना, तो ये संख्या कभी किसी का वर्ग, किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये सभी हैं किसी भी संख्या का वर्ग और ये नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 2, 3 या 7 और 8 में से है, तो वो संख्या कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है।